नमस्कार दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर लेकर आए हैं। ईडी का चला है डंडा, अजीत पवार को नहीं बचा पाई बीजेपी, ईडी ने कर दिया कमाल। जी हां दोस्तों, ईडी से बचने के लिए अजीत पवार ने एनडीए का साथ दिया, बगावत की अपने चाचा से। लेकिन ये बगावत उनके कुछ खास काम नहीं आई, क्योंकि डिप्टी सीएम बनते ही अजीत पवार फंस चुके हैं, ईडी पीछे पड़ चुकी है, कोर्ट ने दिया आदेश। दोस्तों महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनते ही पचड़े में फंस गए हैं अजीत पवार, और कानूनी पचड़ा कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि मामला सहकारी चीनी मिल की संपत्ति से जुड़ा है और इसी में मनी लॉन्ड्रिंग का खेल हुआ था। इस पूरे मामले पर ईडी की चार्जशीट पर मुंबई की एक कोर्ट ने संज्ञान लिया है और तल्ख टिप्पणी की है कि सभी आरोपियों को 19 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से या फिर अपने वकील के माध्यम से पेश होना होगा, नहीं तो उनके खिलाफ समन जारी किया जाएगा। दोस्तों इसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए अजीत पवार ने बगावत की थी, लेकिन ईडी फिर भी पीछे पड़ी है, बीजेपी भी बचाने में नहीं है नाकाम। यहां पर कोर्ट के आदेश के सामने किसी की नहीं चली है, ये बड़ी खबर निकल के आई। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी का धन्यवाद।